हो भाई साहब। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली अपनी वैम वर्सेस FZ250। तो आगे रहा भाई FZ250 और मैं चला रहा हूँ आप सबकी फेवरेट वैम को। तो शाम का टाइम है तो भाई रश तो मिलेगा ही काफ़ी ज़्यादा। FZ250 में ना सबसे अच्छा इसका टॉर्क है, काफ़ी अच्छा टॉर्क है बाइक का। एंड भाई मतलब इनिशियल पंच तो भाई काफ़ी सही है इस बाइक का, बट एक ही दिक्कत है, नेकेड होने की वजह से टॉप एंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता ये बाइक। और भाई आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैंने भाई ग्लव्स भी नहीं पहना, जल्दी जल्दी में निकल गया यार। ओ भाई साहब, जस्ट एंजॉय द वीडियो, डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। और भाई बस मज़े लो वीडियो के। एंड यार गर्मी के टाइम में इतना ज़्यादा धूल उड़ता है ना कि बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो भाई अभी पूरा बाइक को सिर्फ वाइप करने में हमें 10 से 15 मिनट लग गया बाइक राइड करने से पहले। तो भाई बाइक को मेनटेन करने में ना भाई हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए अभी बाइक अपनी वॉश हुई है तो भाई अब 2-3 दिन अभी इसी पर वीडियोज़ आएगी रेगुलर। किधर रह गई भाई FZ? ओ यहाँ पे तो भाई पानी है, बचा के, क्योंकि टेल टाइडी हो रखी है बाइक में। फिर से यार FZ पीछे हो गए यार। फिर से हो गई भाई FZ पीछे। एंड आई होप गाइस आपको आजकल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि भाई आजकल के वीडियोस में मैं बोल कम रहा हूँ एंड दिखा ज़्यादा रहा हूँ।
यार मतलब एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि इनिशियल में अगर टाउन में भाई अगर चलाने की बात हो तो भाई FZ250 का अगर अच्छा राइडर हुआ तो भाई R15 या फिर MT15 ये सब इसे टच नहीं कर पाएगी। भाई साहब हालत खराब हो गई आज तो ट्रैफिक फिल्टर करने में। लेकिन ये वैम पे ना अलग से कॉन्फिडेंस आता है, मतलब इसको चला के ट्रैफिक फिल्टर अगर करता हूँ ना तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एक तो पहले डुअल चैनल ABS है एंड साथ ही साथ इसका ना मतलब क्विक शिफ्टर काफ़ी अच्छा है, तो भाई कहीं कहीं मतलब बिना क्लच का भी अगर शिफ्ट कर देते तो भाई मज़ा सा आ जाता। एंड एक और पॉइंट है कि बाइक में लगी पड़ी एग्जॉस्ट, तो इसको जितना थ्रॉटल आउट करते हैं उतना ज़्यादा भगाने का मन करता है। मतलब बाइक में जब भी एग्जॉस्ट लगाओगे ना तो मन करता है कि भाई बाइक को हमेशा हाइयर RPM पे चलाए, जो कि बाइक के लिए सही नहीं है, बट होता है ना भाई एग्जॉस्ट आउट के लिए लोग हमेशा से यही करते हैं। एंड साथ ही साथ भाई एक और अच्छा पॉइंट है कि हायर RPM पे चलाओगे ना तो भाई इसका VVA बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। किधर रह गई भाई FZ? तो यार बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इंजन ब्रेकिंग के ऊपर वीडियो बनाने, तो यार इंजन ब्रेकिंग इज़ ईजी यार, अगर आपको अच्छे से भाई गियर शिफ्टिंग करने आती है, मतलब गियर डाउनशिफ्ट अगर आप सही से कर सकते हो तो आप इंजन ब्रेकिंग अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू द डाउनशिफ्ट और साथ में ना ब्रेक को भी अप्लाई करना है। और हाँ, हमेशा याद रखना जब भी आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हो तो आप रियर ब्रेक अप्लाई करना, फ्रंट ब्रेक नहीं, तो भाई फ्रंट ब्रेक से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, तो हमेशा रियर ब्रेक अप्लाई करना। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, एंड मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में गाइस। अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।